थैंक यू मालविका आप सभी का स्वागत है आज पंकज मित्र के कहानी संग्रह अच्छा आदमी पर हम बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं पंकज जी से आप सभी शहरवासी पूरे देशवासी वाकिफ़ हैं इनकी अभी आई किताब है अच्छा आदमी जिस पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं तो मेरा सबसे पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद uh, सबसे पहले मैं एक कुछ पर्सनल छोटे सवाल करूंगी। जी पहला सवाल है कि आपको लेखक बनना है कहानी उस पर कहानीकार भी यह आपने कब तय किया ये कोई तय करके नहीं हुआ लेखक बनना है इसकी तैयारी तो मानसिक रूप से बहुत पहले शुरू हो जाती है जब आप किशोरावस्था में होते हैं उसी वक्त से ये तैयारी शुरू हो जाती है आ, लेकिन अगर कागज़ पे लिखने की बात करें तो मेरी पहली कहानी जो आधिकारिक रूप से एक साहित्यिक पत्रिका में छपी वो पहली कहानी उन्नीस में छपी वो भी हंस पत्रिका में जी, जी, बहुत आ, पहली ही कहानी थी वो आ, लिखी हुई तो उसके बाद तो आप जानती हैं कि जैसे हंस जैसी पत्रिका उस वक्त तो बहुत मशहूर पत्रिका थी आ, तो उस वक्त सीधे सीधे किसी नए कहानीकार का सीधे हंस पत्रिका में छप जाना एक बड़ी बात होती थी और किसी भी लेखक के दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी होती थी <laughs> तो मेरा भी भी दिमाग थोड़ा बहुत ख़राब हो ही गया था उस वक्त बल्कि जो स्वीकृति का पत्र आया था उसको जेब में लेकर बहुत दिनों तक घूमता भी रहा था और लोगों को दिखाता था कि देखिए हंस में मेरी कहानी स्वीकृत हुई है तो ये छपने की शुरुआत इस तरह से हुई थी और लेखन की बात कहें तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें नाटकों से जुड़ा हुआ रहा था छोटे मोटे नाटक भी लिख लेता था तो इस तरह से ये शुरुआत यात्रा की हुई थी चलिए ये हंस से शुरुआत एक बहुत अच्छी बात है आज भी अधिकतर लेखकों का सपना होता है कि पहले उनकी पहली कहानी ये, या ये। कोई भी कहानी हंस में छपे बिल्कुल बिल्कुल अब आप बताइए आप अपने जॉब के साथ कैसे समन्वय बिठाते हैं और कौन सा समय होता है जब आप कहानी लेखन करते हैं जॉब के साथ जहाँ तक बात है वो दरअसल क्या है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तय करनी पड़ती हैं कि आप किस चीज़ में कितना वक्त देना चाहते हैं वक्त की कमी का रोना एक बहुत पुराना रोना है कि मुझे वक्त नहीं मिलता तमाम चीज़ों के लिए जब वक्त मिलता है तो और लेखन के लिए वक्त क्यों नहीं मिलेगा अगर आप प्राथमिकता सूची में उसको ऊपर रखते हैं कि मुझे लिखना है तो स्वाभाविक रूप से वो लेखन शुरू हो जाता है तालमेल बिठाने में हालांकि ये बात और है कि अगर मैं जॉब में नहीं होता तो शायद कुछ ज़्यादा और लिख सकता था तो लेखन पर थोड़ा असर तो पड़ता है लेकिन फिर भी ज़्यादातर लेखन मेरा रात में दस बजे के बाद होता है इसीलिए जॉब वाली कोई बात इसमें नहीं है जी जी अभी इस सत्र के ठीक पहले सत्याव्यास जी का सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने जवाब दिया एक सवाल में जी. कि भाई पहले जब मैं आप कुछ लिखते हैं तो पहले आ, दो लोगों को पढ़वाइए तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी रचना का या आपकी कहानी का पहला पाठक कौन होता है पहला पाठक जैसा मैं असल में सत्याव्यास जी ने जो बात कही उससे मेरी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी अलग है कि पहले मैं किसी को उस तरह से पढ़ाता नहीं हूँ कहानियाँ मुझे लग जब ख़ुद लगता है कि ये कहानी अब पाठकों के बीच जाने के लिए तैयार है तो फिर उसको मैं सीधे पत्रिका में भेजता हूँ और ये एक अच्छी बात रही है कि पत्रिकाओं से कहानी कभी लौटी नहीं है तो इससे मेरा हौसला काफ़ी बढ़ गया और इसीलिए मैं आ, पढ़ा कर उसको उसकी परीक्षा उसकी जांच नहीं करता हूँ लेखन मेरे लिए एक बहुत ही एक, एक एकांतिक किस्म का कर्म है आ, और मैं उसमें पसंद नहीं करता कि बहुत सारे लोगों की उसमें भागीदारी हो और लोग उसको पढ़ें और अपनी राय दें वो मेरा तरीका नहीं है तो इसीलिए एकांत में मैं ज़्यादा लिखना और पढ़ना ये तमाम चीज़ें पसंद करता हूँ तो उस तरह से ये लेखन मेरा होता है जी आपको कहानियां लिखते हुए करीब 25 वर्ष ढाई दशक गुजर गए जी इस बीच आपके छह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जी है। हाँ। लगभग 25 वर्ष पहले जब आपने कथा यात्रा शुरू की थी तब और आज के कथा परिदृश्य में आपको क्या अंतर नजर आता है कथा परिदृश्य में तो बहुत अंतर आया है जी। एक तो ये है कि इस बीच बहुत सारी स्त्रियों ने लिखना शुरू किया है और वो अपने जीवन के अनुभव लिख रही हैं बहुत प्रामाणिक ढंग से लिख रही हैं बहुत अच्छा लिख रही हैं तो स्त्रियों स्त्री लेखक लेखकों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बीच में पैदा हुई है जो अलग अलग विषयों पर और बहुत सारे लेखकों में भी जो युवा लेखक हैं वो तमाम क्षेत्रों से आए हैं कोई मैनेजमेंट का आदमी है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, है इस तरह के लोग आए हैं और अपने अपने जीवन के अनुभव लोग लेकर आए हैं इसीलिए हिंदी कहानी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ है और अलग अलग किस्म के अनुभव अलग अलग किस्म के कार्य क्षेत्रों से कहानियाँ आ रही हैं बहुत हिंदी का संसार बहुत समृद्ध हुआ है इन दिनों और लेखन जो है वो काफ़ी विपुल पैमाने पर हो रहा है लेकिन इसके साथ ये भी बात है कि जो गुणवत्ता का सवाल है ये एक बहुत ही आ, एक तरह से कहें कंट्रोवर्शियल सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण लेखन आप किसको मानते हैं आपके लिए जो गुणवत्तापूर्ण लेखन है वो शायद मेरे लिए नहीं है या किसी और के लिए नहीं है तो लेकिन लिखना काफ़ी हो रहा है और ये ही हिंदी के पक्ष में ये बात जाती है बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग खासतौर पे युवा पीढ़ी बहुत लेखन में सक्रिय हुई है बिल्कुल आजकल जी हाँ, युवा पीढ़ी और स्त्री लेखक बहुत लोग आए हैं तो ये एक बहुत ही आश्वस्तिदायक बात है ये वाकई अच्छा है हिंदी के लिए हिंदी के भविष्य के लिए बिल्कुल। और, आपकी हमें है, कई बार कहानी पढ़ते हुए इन कहानियों का बीज आपको कहाँ से मिलता है और आप कैसे लिखते हैं ये बिल्कुल आसपास की कहानियां हैं बहुत सारी चीजें देखी हुई होती हैं अपना अनुभव होता है दूसरे लोगों का अनुभव होता है उसको कहानी में ढालना पड़ता है व्यंग के स्वर की जहाँ तक बात है तो व्यंग का स्वर तभी तक कारगर होता है जबकि उसका अंत कहीं करुणा में जाकर हो अगर वो पूरी तरह से व्यंग में ही रह जाए तो शायद वो कहानी उतनी प्रभावशाली हाँ, नहीं, नहीं, नहीं हो पाती है और कहानी का जो उद्देश्य है वो भी कहीं ना कहीं भटक जाता है क्योंकि कहानी का उद्देश्य सिर्फ व्यंग करना नहीं है बिल्कुल आ, तो कहीं ना कहीं वो करुणा में जाके आ, समाप्त होती है तभी वो कहानी आ, एक देर तक प्रभाव स्थायी प्रभाव दिमाग पर छोड़ पाती है तो इसीलिए ज़्यादातर मेरी कहानियों का जिसमें व्यंग का स्वर है उसका अंत करुणा में ही होता है और ये ख़ास ख्याल रखता है क्योंकि जिस तबके की ज़्यादातर ऐसे लोगों की जो लोग बहुत सारे विकास की दौड़ में पीछे रह गए जो हमारा छूट गया का समाज है आदिवासी हैं दलित हैं इस तरह के जो चरित्र हैं उन्हीं पर ज़्यादा कहानियाँ हैं इसीलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि इसका अंत करुणा में ही हो क्योंकि ऐसे चरित्र ही हैं उन चरित्रों के बारे में आप बिल्कुल सिर्फ व्यंग करते हुए नहीं रह सकते हैं तो उसके प्रति एक स्वाभाविक सहानुभूति लेखक की होती है तभी ये जाकर उसका अंत जो है वो करुणा में जाके होता है हाँ ये बात बिल्कुल सही है इसी बात को आगे बढ़ाते मैं पूछती हूँ कि विट और ह्यूमर आपकी कथा भाषा की खास पहचान है आप इसे कैसे संभव बनाते हैं या अर्जित है या नैसर्गिक क्या निजी जीवन में भी आपकी भाषा ऐसी होती है ये ऐसा है कि ये बहुत अर्जित करके हो नहीं सकती है ये विट और ह्यूमर जो है वो आदमी के इन इनबिल्ट होता है हाँ वो इनबिल्ट थोड़ा वो मैकेनिज़्म है वो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया है जब आप किसी चीज़ को अलग हट करके थोड़ा देखते हैं जिसको हमारे पुराने ग्रंथों में साक्षी भाव से कहा गया है तो वो साक्षी भाव से जब चीज़ों को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तभी आप वो व्यंग का स्वर या विट और ह्यूमर का इस्तेमाल तभी हो पाएगा बहुत सारे लेखकों के साथ ये बात आप देखेंगे कि इन्वॉलमेंट के साथ बहुत नहीं लिखते हैं उस तरह से वो एक अलग तरह का तेवर होता है जो बहुत ही नैसर्गिक है बहुत स्वाभाविक है इसको अर्जित नहीं किया जा सकता है तो वो कहीं कही ना कहीं जिसको कहते हैं कि वो सेटिंग में ही ये फॉल्ट है जो बनाया है ईश्वर ने उसमें ही कहीं कही ना कहीं ये बात है कि आप उसको ऐसे एक एक ऐसी नज़र से देखते हैं चीज़ों को जिसमें कि आपको बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होने नहीं देता है तो क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व होने से फिर आप क्या है कि जो कहानी का जो वैचारिक पक्ष है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है तो विचार और भावनाएं इन दोनों का जब स्वाभाविक संतुलन कहानी में होगा वही कहानी स्थायी प्रभाव अपना छोड़ पाती है बहुत दिनों तक वो दिमाग में रह जाती है तो इसमें एक सवाल ये निकलता है कि लोग कहते हैं लेखन परकाया प्रवेश होता है जी। तो जो परकाया प्रवेश करता है इंसान तो फिर उसकी सारी संवेदनाएं उसके साथ होती है तब इस मतलब तब इंसान खुद को कैसे अलग रखेगा अगर परकाया प्रवेश करके अगर लेखक लिखेगा तो फिर वो संवेदनाएं तो उसके अंदर आएंगी तो उन दोनों में वो कैसे परकाया प्रवेश का जो जो इसकी जो अवधारणा है वो दरअसल क्या है कि जब आप किसी चरित्र के बारे में उस चरित्र से तादात्म में बिठाते हुए रचनाएं करते हैं तब जा कर के वो पर, परकाया प्रवेश वाली थ्योरी काम करती है आ, मुझे लगता है कि हर बार ये कारगर नहीं होती कि आप परकाया प्रवेश करके कहानियाँ लिखते हैं कहानी लिखते समय लेखक तो उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है और वो किसी न किसी अंत तक किसी न किसी पॉइंट पर वो जाना चाहता है एक विचार उसके अंदर हमेशा होता है बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कहानियों में विचार का क्या काम है या कविताओं में विचार का क्या काम है मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि विचारहीन कोई भी चीज़ कहानी कविता हो वो हो नहीं सकती है अगर आप कोई भी जब आप कलम उठाते हैं तो कोई ना कोई आपके पास विचार होता है किसी चरित्र के बारे में आप लिख रहे हैं किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं तो एक विचार आपके मन में तो होता है कि आप उस पर उसको ये कहना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप लिखते क्यों आप सं, संदेश हाँ एक एक कोई ना कोई चीज़ संप्रेषित करना चाहते हैं ना आप तो वो विचार के रूप में होता है एक इमोशन के रूप में होता है तो निश्चित रूप से ये वहाँ तक पहुँचता है और आप बिना विचार के चीज़ें नहीं हो सकती एक विचार तो होता है ये विचार क्या है कैसे है ये ये तमाम बातें हो सकती है इस पर बहस हो सकती है कि आप जिस विचार से लिखते हैं वो दूसरे को पसंद नहीं आ सकता है लेकिन विचार हर लेखन का हर रचना का होता है कोई ना कोई बात उसमें कहनी होती है बिल्कुल जी बिल्कुल विचार से दरअसल लोग एक बना लेते हैं धारणा कि मतलब उसको पंथ में जोड़ देते हाँ, हैं कि यह वामपंथी वाम, विचार है वाम। यह दक्षिण पंथी विचार है लेकिन जो जो भी पंथी विचार हो लेकिन वो विचार कोई ना कोई होता है तो ये विचार रहित लेखन जो है वो कहीं ले नहीं जाता है वो रचनाएं बहुत चिरस्थाई हो नहीं पाती जी यानी लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, जी जी हाँ बिल्कुल वैचारिक हाँ। रूप से लेखक को कहीं ना कहीं एक मजबूत एक एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए जी आ, उस तरह से आप कहानियाँ लिखें या कविताएँ लिखें कोई ना कोई विचार आप संप्रेषित करते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल है नव उदारवाद या उग्र पूंजीवाद के भारत में प्रवेश करने के बाद छोटे शहरों और कस्बों की बदलती परिस्थितियों को समझने की कोशिश आपकी कहानियों में लगातार दिखलाई पड़ती है या यूं कहो तो बार बार आपकी कहानियाँ इन्हीं मुद्दों को उठाती है जैसे अच्छा आदमी कहानी संग्रह की चार आठ कहानियों में से चार कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें बाजार है इसकी कोई खास वजह इसकी वजह यह है कि जब नब्बे के दशक में जब बाजार को खोल दिया गया हमारे देश में पूरी तरह से तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस दौड़ से पीछे रह गया वो बाज़ार को अफोर्ड नहीं कर सकता था उस उस दौड़ में जो पीछे रह गए लोग या जिनका जीवन बहुत कष्टमय होता गया धीरे धीरे उसके लिए कहीं ना कहीं एक बाज़ार तो उत्तरदायी है बाजार तो दरअसल एक टूल है लेकिन उसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं किसके हक में करते हैं ये तमाम चीज़ें हैं तो हमारे देश में जो हुआ वो ये हुआ कि एक नवधनाढ़ वर्ग एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ जो भोग की संस्कृति को ज़्यादा या उपभोक्तावादी संस्कृति जिसको कहते हैं उस पर ज़्यादा जोर देने लगा तो इससे क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ा हमारा जो देश का हिस्सा है वो उसके साथ तालमेल बिठा नहीं पा रहा था और इस कारण से उनका जीवन बहुत कष्टमय होता गया बहुत ट्रैजिक होता गया उनका लाइफ और उस ट्रैजिडी को कहीं ना कहीं दिखाना या उस ट्रैजडी को उसका चित्रण करना ये ज़्यादातर मेरी कहानियों का उद्देश्य रहा है तो वो अब कितना सफल हुआ है क्या हुआ है ये तो बात की बात है लोग बताएँगे बाद में बिल्कुल हाँ तो, जो लोग हाँ। इसकी समीक्षा करेंगे वो लोग बताएंगे लेकिन कोशिश यही होती है कि जो छूट गए लोग हैं हाशिए के लोग हैं उन लोगों के जीवन का जो दुख है तमाम तरह के कष्ट हैं उन कष्टों का चित्रण ही मुख्य उद्देश्य मेरी कहानियों में हुआ है और ये कोशिश करता हूँ कि अलग अलग नज़रिए से अलग अलग तरह के लोग जो हमारे जीवन में हम उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग हमारे रहते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। वो कहीं हमारी नज़रों से ओझल हो गए आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में कितने छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग थे कोई ताला बनाने वाला आदमी था कोई रिपेयर करने वाला कोई मशीन रिपेयर करने वाला आदमी था इस तरह के बहुत सारे लोग आपको छूटे हुए लगेंगे वो दिखाई नहीं पड़ते अब पहले बहुत सारे हमारे कस्बों में जो है वो साइकिल पर और इस तरह से लोग आते थे और मरम्मत वगैरह का काम नहीं करते नहीं। थे हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उसके बाद हो गया कि ये चीज़ जो है इसको आप ये रिपेयर नहीं हो सकती इसको आप बदल दीजिए फेंक दीजिए नया हाँ। खरीद लीजिए हाँ। ये जो एक बाजार का कॉन्सेप्ट आया उसमें बहुत सारे व्यवसाय ख़त्म हो गए तो वैसे लोग कहाँ चले गए आप देखिए कि बहुत बड़ी आबादी आप अपने शहर में भी देखिए कि कम से कम यहाँ पचास चौक ऐसे होंगे जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर खड़े रहते हैं और बहुत देर तक खड़े रहते हैं ग्यारह बजे तक दस बजे तक वो खड़े रहते हैं और जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता तो फिर निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं ये इतने सैकड़ों की संख्या में हज़ारों की संख्या में लोग कहाँ से आते हैं वे गाँव में जिनका रोज़गार नहीं है गाँव की जो खेती की व्यवस्था है वो उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पा रही है वैसे लोग आकर के यहाँ अपने अपना श्रम बेचने के लिए चौक पर आकर खड़े होते हैं लेकिन उनका जीवन सोचिए कितना कष्टमय है एक घर से निकलता है आदमी और उसके बाद आकर के चौक पर खड़ा रहता है चार घंटे पाँच घंटे तक उसके बाद फिर बिना किसी रोज़गार के वापस चला जाता है तो इस तरह की जो एक एक छवि है ये सब चीज़ें बहुत मन में आक्रोश भी पैदा करती है करुणा भी पैदा करती है और इसीलिए इन कहानियों का जन्म यहीं पर ज्यादातर होता है ये कौन लोग इसके पीछे हैं क्यों ऐसा है उन सब चीजों की पड़ताल करना एक कहानीकार के रूप में मुझे लगता है कि मेरा काम भी है और कोशिश करता हूँ कि ये चीजें सामने नहीं बिल्कुल ये आपका जो अलग अंदाज है लिखने का ये लोगों को काफी पसंद भी आता है और इस विषय की भी बात की जाती है अच्छा स्नेह संग्रह में आपको अपनी कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कई कहानियाँ पसंद है इसमें एक लंबी कहानी है आस नाम की तो वो कहानी भी मुझे पसंद है वैसे अगर वैचारिक रूप से कहें तो मंगरा मॉल कहानी भी ठीक है मुझे लगती है हाँ आ, हाँ अच्छी कहानी है तो कुछ कहानियां पसंद है राजनैतिक व्यंग के रूप में अगर आप पढ़ते हैं तो मुहबली एक मुह कहानी है उसको आप पढ़ें उसमें आनंद आपको मिलेगा बहुत सारी जो आधुनिक छवि है बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बिल्कुल हाँ, तो इस तरह मेरा अगला सवाल भी यही था इस मामले में कि आपके कई कहानियों के प्लॉट जाने पहचाने लगते हैं खासकर मुंह और सिली सिली पॉइंट हो गया शादे मेंशन जी भी ऐसी ही कहानी लगती है क्या इनका किसी सच्ची घटना से कोई रिश्ता है इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में आप बताएं रिश्ता तो कुछ ना कुछ होता है एकदम हवा में तो कोई कहानी बनती नहीं है कुछ ना कुछ रिश्ता होता है उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत सारी चीज़ें बदल बदली जाती हैं हो सकता है कि बहुत सारे चरित्र जो पांच चरित्र आपने देखे उनको मिला के कोई एक चरित्र, चरित्र बन, जाता बन जाता है जाता। तो इस तरह से कहानियाँ बनती हैं ज़्यादातर लोगों की रचना प्रक्रिया इसी तरह की होती है तो उस तरह के चरित्र ज़्यादातर देखे भाले हुए लोग होते हैं या सुने हुए लोग होते हैं या तो अपने जीवन का अनुभव होता है या किसी अपने जानने वाले के जीवन का कोई अनुभव होता है तो इस तरह से चीज़ें वहाँ से मतलब एक कच्चा माल जिसको कहते हैं वो वहाँ से आता है तो उसको कैसे आप ढालते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कहते हैं ना कि गालिब का है अंदाज़ बयाँ और तो आप अंदाज बयाँ उसका क्या रखते हैं कैसे आप चीज़ों को सामने स्थापित करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बनस्पत इसके कि आप क्या कह रहे हैं और क्या उसमें कहा गया थीम क्या है ये इन सब चीज़ों से अलग होता है कि आप कैसे इसको कहते हैं कैसे ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे पहुँच पाती है चीज़ तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है जी बिल्कुल अच्छा आपकी कहानियां मैं पढ़ती आई हूँ शुरू से जी अभी भी ये नया संग्रह मैंने पढ़ा है तो सामान्यतः आपकी कहानियों में स्त्री चरित्रों की भूमिका मुखर या केंद्रीय नहीं होती इसके पीछे क्या कारण है क्या आपको जरूरी नहीं लगता या कथाकार की संवेदना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती नहीं ज़रूरी तो बहुत लगता है ये आप मेरी सीमा कह सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह की जो स्त्री चरित्र हैं उनको उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत कम रहा होगा इस वजह से ये चीज़ें आई नहीं हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं स्त्रियां जो है वो समाज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं वैचारिक रूप से मैं ये मानता हूँ लेकिन ये मेरी सीमा है कि उस तरह की ज़्यादा महिलाओं से

शायद यही हुआ होगा कि उस तरह से अगर आपके दिमाग पर कोई किसी चरित्र का इम्प्रेशन पड़ता है तब जा कर के आप ऐसी चीज़ें लिख पाते हैं तो वहाँ तक शायद अभी तक वो संवेदना न पहुँची हो ठीक कर रही थी आप तो उस संवेदना का भी एक स्तर होता है उस स्तर तक शायद चीज़ें नहीं पहुँच पाई हूँ इसलिए नहीं हुआ होगा यानी हम उम्मीद करें कि और ये भी बार... मैंने स्त्री लेखकों पर छोड़ दिया है कि अपनी कहानियाँ वो खुद लिखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरे लोग उनके लिए क्यों लिखे <laughs> नहीं स्त्री स्त्री कहानीकार भी पुरुष वाचक शैली में या पुरुषों के मन में उतर कर वो भी लिखती हैं। तो हम आपसे ये आ, उम्मीद करेंगे कि कम से कम आपकी कुछ कहानियां तो ऐसी आए जो हम भी आपका वो पक्ष जानना चाहेंगे कि आप कैसे स्त्री तक पहुंचते हैं और लिखते हैं मजाक की बात अलग है लेकिन मुझे लगता ये है कि स्त्रियां अपनी बात जितने जेन्यूनिटी के साथ आ, जो इतने तो जेन्यस के साथ लिख सकती हैं उतने पुरुष लिख नहीं सकते हैं बहुत कम ऐसे पुरुष लेखक हुए हैं एक आध आप उदाहरण शरत चंद्र वगैरह का छोड़ दें तो उस तरह से उस इंटेंसिटी से जिसको कहते हैं उस जेन्यून फीलिंग के साथ बहुत कम लोग लो लिख पाए हैं तो मुझे लगता है कि स्त्रियाँ खुद लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लिख भी रही हैं जी आपने प्रेमचंद और रेनू की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की पुनर्रचना की है इसमें कफन और रसप्रिया जैसी कालज की कहानियाँ भी शामिल है पुनर्रचना का यह अनुभव आपके लिए कैसा था कठिन था या आसान था इसके बारे में आप बताएं क्या परेशानी आई या कितनी सहजता से आप पुनर्रचना कर पाए पुनर्रचना का काम बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपके सामने एक बहुत ही बड़ी ही और जिसको मास्टरपीस कहते हैं वो कहानी सामने उपलब्ध होती है और बहुत सारे लोग उसके मुरीद होते हैं बहुत सारे पाठक जो है उसको वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं तो उस कहानी को फिर से लिखना नए परिप्रेक्ष्य में बहुत ही चैलेंजिंग काम है और चैलेंजिंग के साथ साथ बहुत बेवकूफ़ाना किस्म का भी काम है दरअसल क्या है कि जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि पिताजी का कोई बड़ा चप्पल पहन के घूमते हुए hmm. वो महसूस करता है कि अब हम भी बड़े हो गए हैं तो अपने पिता की बड़ी सी चप्पल पहन के घूमने जैसा वो काम है वो बेवकूफ़ी भरा ही काम है लेकिन मज़ा आता है उसमें तो जैसे बच्चों को मज़ा आता है वैसे ही मज़ा उसमें उन कहानियों की पुनर्रचना में आया है मैंने कोशिश की है कि हालांकि जो कफन कहानी का जो पुनर्लेखन मैंने किया है उसमें नए संदर्भ में चीज़ों को रखने हाँ, की कोशिश हाँ, की है कि अभी अगर प्रेमचंद उस कहानी को लिखते तो उसमें क्या चीज़ें आ सकती थी तो उस दृष्टिकोण से लिखा गया है इसलिए वो थोड़ी ठीक लगती है मुझे हालांकि जो रसप्रिया कहानी को जो फिर से लिखा गया है वो उसी समय को ध्यान में रख कर के लिखा गया उसमें नए समय का बदलाव कुछ नहीं है लेकिन उसमें है कि जो स्त्री चरित्र है रमपतिया जो चरित्र है उसके दृष्टिकोण से उस कहानी को कहने की कोशिश की गई है रेणु जी ने रसप्रिया में मृदंगिया के एंगल से चीज़ों को देखा है लेकिन उस कहानी में पढ़ते हुए हमेशा ये ध्यान आता है कि जो रंपतिया का चरित्र है वो कहीं ना कहीं पीछे लगता है हालांकि उसमें जो प्रेम की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है सब कुछ उसमें हो रहा है लेकिन उस चरित्र को मुझे लगा कि शायद इनके साथ बहुत अन्याय नहीं हुआ वो थोड़ा पीछे रह गई तो उनके उन दृष्टिकोण से रमपतिया के दृष्टिकोण से उस कहानी को देखने की कोशिश की गई थी इसीलिए वो थोड़ा अलग हो गई कहानी हालांकि कोशिश की गई है कि जो रेणु जी की भाषा है रेणु जी का जो परिवेश है उसको बनाए रखा बनाये जाए।, जाए ये कोशिश की गई है बिल्कुल आ, कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं आप जो अब तक नहीं लिख सके और आगे लिखने की योजना हो बिल्कुल वो कोई भी लेखक तो ऐसा ही सोचता है कि जो मेरी अगली कहानी होगी वो ऐसी कहानी होगी कि ऐसा हो हाँ ये कहानी जो है वो ऐसी नहीं लिखी गई है कभी ये सोच कर ही लिखता है तो कोशिश तो ये हमेशा होती है कि जो अगली कहानी हो वो कोई ऐसी कहानी हो जो पहले ना लिखी गई हो या मैंने ना लिखी हो उस तरह की कोई कहानी तो हर बार ये कोशिश होती है ये बात और है कि ये हर बार ये कोशिश फेल भी हो जाती है <laughs> तो <आज laughs> बहुत सारे, सारे लोग कहते हैं कि ये कहानी तो आपके फलां कहानी से जो है मिलती जुलती लग रही है तो ये हो जाता है लेकिन है ये तो चलेगा आजकल उपन्यास भी तो खूब लिखे जा रहे हैं आपका आपकी क्या योजना है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपका उपन्यास आए क्या आप हाँ उस काम कर रहे हैं मैं खुद उस उपन्यास लिखने का तकरीबन पंद्रह वर्षों से इंतजार कर रहा हूं लेकिन अभी तक उसकी एक पंक्ति भी लिखी नहीं गई है <laughs> <laughs> तो मैं कोशिश करूंगा कि इस इस पर खरा उतरूँ लेकिन पता नहीं क्योंकि मैं बहुत ही आलसी किस्म का आदमी हूँ और आलसी किस्म का लेखक भी हूँ मुझे मेरे मित्र लोग भी कहते हैं कि बहुत आप कहीं पर जैसे बहुत सारे लेखक हमारे बीच ही हैं हमारे समय के बहुत बड़े बड़े लेखक हैं जो बहुत शोध करके और बहुत दूर दूर यात्राएं करके और इस तरह से कहानियां लाते हैं लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं वो कहते हैं कि आपको तो लोग चरित्र लोग आके खुद अपनी कहानी बता देते हैं आप उसी को लिख देते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही आलसी किस्म के लेखक हैं और सचमुच मैं आलसी किस्म का लेखक हूँ इसीलिए उपन्यास पर हाथ लगाने की बहुत कोशिश नहीं करता क्योंकि उपन्यास सिर्फ कहानी कहना नहीं है वो शारीरिक श्रम की भी मांग करता है आपको रोज़ बैठना पड़ता है रोज़ कम से कम थोड़ी देर बैठेंगे थोड़ा लिखेंगे घंटे दो घंटे बैठेंगे तभी कोई उपन्यास पूरा हो पाता है या लिखा जा सकता है अभी फिलहाल ऐसी कोई योजना दिमाग में उस तरह से नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिमाग में ये आ जाए कि उपन्यास लेखन के लिए कोई प्रेरणा जैसे चीज़ जो है अगर आती है तो मैं देखूँगा बिल्कुल हम सभी इसके लिए आपको <laughs> आ, सब शुभकामना देते हैं कि जल्दी ही उपन्यास शुरू हो कोई ऐसी प्रेरणा आपको मिल जाए <laughs> एक बात बताइए आजकल ओ और वेब सीरीज के समय में आपको आज की कहानियों का भविष्य क्या दिखाई पड़ता है क्या इनके प्रभाव में कहानियाँ बदल रही हैं या इन्हें बदलना चाहिए कहानियाँ बदल तो रही हैं क्योंकि जैसा इस सेशन के पहले सेशन में जो सत्यव्यास जी हैं उन्होंने बताया भी कि जब वो आजकल लिखते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारा एक्शन के रूप में चीज़ें आती हैं क्योंकि वो ये सोच कर लिखते हैं कि इस पर कोई ओ पर कोई वेब सीरीज बन जाएगी या कोई इस तरह का की फिल्म बन जाएगी उसको दिमाग में रख के लिखते हैं तो उस तरह से भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि कोई इस तरह का विचार दिमाग में रख के कि इस पर कोई फिल्म बन जाए या इस पर कोई वेब सीरीज़ बन जाए इस तरह से बहुत कम लोग लिखते हैं या हिंदी में कम से कम लिख पाते हैं ऐसा ये भी मुझे मैं मानता हूँ कि हिंदी के लेखक उस तरह से सोचते नहीं हैं क्योंकि हिंदी का जो एक हिंदी की जो एक परंपरा है वो बहुत अलग तरह से सोचती आई है चीज़ों को देखने का जो उसका नज़रिया है वो बहुत अलग तरह का है और ख़ास तौर पर बाजार वगैरह की इस तरह की चीज़ों को माना जाता है कि वो बाज़ार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और उससे अलग उसका एक प्रतिरोध रचने की हमेशा हिंदी कहानी इसकी कोशिश करती रही है तो इसलिए एकदम उस दिशा में ढल जाना क्योंकि बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने सिर्फ फिल्मों के लिए गुलजार के जैसा कवि उसको उनको अभी तक उस तरह से स्वीकृति नहीं मिली कि वो कोई साहित्यकार हैं सा, मैंने बड़े कवि के रूप में नहीं हाँ नहीं उनकी पहचान हुई क्या फिल्मों के नह लिए लिखते उखते हैं तो इस तरह की बातें जो है वो है हिंदी में अभी भी मौजूद है तो ये लिखना तो बहुत मुश्किल काम है उस तरह से अब अगर, अगर, अगर अपने दिमाग को अपने लेखन को उस तरह से ट्यून किया जाएगा धीरे धीरे तब ये चीज़ें सामने आती हैं लेकिन नई पीढ़ी के लोग बहुत सारा कर रहे हैं बहुत सारे हिंदी के लेखक अब फिल्मी दुनिया में और ओ टी टी प्लेटफॉर्म वगैरह पर अपनी बात रख रहे हैं अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कहिए वो कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक भी हैं उसमें तब है कि यह कोई बुरी बात मैं नहीं मानता हूँ कि यह कोई बुरी बात है उस तरह से अगर आप की ट्रेनिंग हुई है उस तरह से अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस तरह से तैयार नहीं हूँ लिखने के लिए या मेरी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है कि मैं अभी लिख पाऊँ उसमें तो ये एक अंश रह गया है इसका कि मतलब कहानी जो हिंदी कहानी का है उसका भविष्य क्या है हिंदी कहानी का भविष्य तो बहुत है अल्टीमेटली आप देखेंगे तो सब तो कहानियाँ ही कह रहे हैं कहानी कहने का तरीका अलग है आप चाहे वेब सीरीज़ के माध्यम से उसको देखते हैं क्योंकि वो एक दृश्य श्रव्य माध्यम है तो ज़्यादा आकर्षित करता है लेकिन मूल रूप तो कहानी मूल रूप से कहानी ही कहते हैं लोग तो कहानी का भविष्य तो बहुत बढ़िया है अब कहानी किस स्वरूप में आएगी ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में कितना प्रभावित होगी या हो सकता है कि पूरी तरह से क्योंकि आप देखिए कि यूरोपियन देशों में या पश्चिमी देशों में भी एक अलग तो है बहुत सारे जो क्लासिक्स हैं उस पर भी फिल्में बनती हैं उस उस पर बनाने वाले लोग गंभीर किस्म के लोग लोगों ने फिल्में बनाई हैं जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं कालजयी कृतियाँ रही है उस पर उप, बनी है कहानियाँ उस पर फिल्में बनी हैं बांग्ला में आप देखिए कि बहुत सारे जो बड़े लेखक हैं वो दोनों तरह के माध्यम के लिए लिखते हैं समरेश बसु के जैसे बड़े उपन्यासकार वो पॉपुलर चीज़ें भी लिखते हैं और साहित्यिक चीज़ें भी लिखते, लिखते, हैं। लिखते हैं तो हिंदी में ये फ़र्क बड़ा विविड है बहुत ही देखने लायक फ़र्क है लेकिन और दूसरी भाषाओं में ये फ़र्क बहुत कुछ मिट चुका है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से नई पीढ़ी आ रही है और चीज़ें लिख रही हैं तो ये फ़र्क हमारे यहाँ भी कम होता जाएगा धीरे धीरे जी आप कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं पर बहुत कम लोगों को पता है कि आपने गज़लें भी लिखी है क्या आप अब भी लिखते हैं और गज़ल संग्रह प्रकाशन की कोई योजना है नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो गज़लें क्या है कि गज़लें कविताएं ये सब एक दौर में हर आदमी लिखता है जब अपनी विधा की तलाश करनी होती थी कि कौन सी विधा आपके लिए उपयुक्त है आपको लगता है कि ये किस विधा में काम करना चाहिए तो ये तय जब होता है तो उस समय आदमी हर तरह की चीज़ें लिखता है आ, तो हो सकता है कि उस समय मैंने गज़लें लिखी बाद में लगा कि गज़लों में कोई विधा मेरी नहीं है तो फिर बाद में कहानी की तरफ मुड़ गया और जब एक बार किसी विधा में आपको रिकग्नीशन मिल जाता है पहचान मिल जाती है तो आप उसी दिशा में फिर ज़्यादा प्रयास करने लगते हैं तो गज़लों के साथ ऐसा ही हुआ उस समय गज़लें लिखी थी कुछ ठीक भी लगती थी लोगों को फिर आ के लगा कि नहीं गज़लें उस तरह से कामयाब नहीं हो रही हैं तो फिर कहानी की दुनिया में आ गए यानी कि आप कोई योजना नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> आपकी कहानियों की भाषा और उसके विषय आपको अपने समकालीनों से अलग करते हैं इसकी खूब सराहना भी हुई है पर अब कुछ लोगों कुछ आलोचकों और पाठकों का कहना है कि इसमें दोहराव दिखने लगा है तो आपको ऐसा लगता है क्या आप अपने बनाए इस घेरे को तोड़ना चाहते हैं बिल्कुल आ, बाद में जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं उसमें ये भाषा और इस तरह की जो शैली है उसका दोहराव कुछ कम करने की कोशिश भी की है हमने जो सायास से की गई है लेकिन आ, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं पढ़ने में भी कहीं गड़बड़ी थोड़ी होती है पढ़ने की गड़बड़ी ये है कि जो शैली है जो भाषा है वो तो किसी लेखक की अपनी पहचान होती है तो आग अगर आप कहानी अलग कह रहे हैं अलग तरीके से कह रहे हैं तो फिर बार बार आप जैसे रेणु की कोई कहानी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते ही माने कुछ पंक्तियाँ पढ़ते ही आपको लग जाता है कि ये रेणु की कहानी है वो उनकी शैली और भाषा की वजह से ही है आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेणु ने इसमें दोहराव किया है कुछ इस कहानी से तो इस तरह की चीज़ें होती हैं लोग कहते हैं आलोचक गण कहते हैं लेकिन हर बार ये बात सही ही हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप शैली अपनी एक बनाते हैं अपनी एक पहचान कायम करते हैं जो भाषा के ज़रिए शैली के ज़रिए कायम होती है तो अगर आप उसी शैली में कोई दूसरी कहानी कहते हैं तो इसका मतलब दोहराव होना नहीं है वो आपकी शैली है वो आपकी पहचान है तो पहचान का बनना और कहानी में धुराव ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं आ, कभी कभी कुछ आलोचकगण ज़रूर इसको मिला देते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं इसके बारे में तो ये होता है क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ने में इसमें भी ह्यूमर था विट था आगे अगली कहानी में भी विट ह्यूमर है तो क्या ये कहानी का दोहराव है लेकिन ये कहानी का दोहराव नहीं है वो शैली और भाषा एक तरह की है इसलिए वैसा सुनने में लगता है लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी का दोहराव नहीं है कोशिश करके थोड़ा सा अगर और उसको देखेंगे तो अलग लगेगी ये कहानियाँ आपके इस संग्रह में आस कहानी जो है वो मुझे अन्य कहानियों से बिल्कुल अलग लगी ऐसे शादियों भी कहानी कुछ अलग तरह की लगी तो इन दोनों कहानियों में स्पेशली मैं आस के लिए जानना चाहती हूँ कि वो आपने कैसे वो कहानी लिखी और उसमें क्या ऐसी चीज है मतलब वो किस उस कालखंड को आप कैसे लेकर आए और क्या कहानी मतलब रचना प्रक्रिया आप साझा कीजिए उस कहानी के लिए आ, आस कहानी जो है उसके बारे में एक चीज़ मैंने पहले ही तय कर लिया था बहुत सारे लोगों के कहने पर कि इसमें उस तरह से विट और ह्यूमर जो मेरी पहचान है उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं, नहीं करना है।, नहीं। है उसका नहीं करना है एक अलग तरह से जो सीधे एक नैरेटिव टेक्निक होती है सीधे सीधे कहानी कहने का जो तरीका होता है जो हमारे पुराने समय के लोगों का तरीका है जिस तरह से पुरानी कर, कथा सरित सागर और इस तरह की कहानियाँ कही जाती थी उस तरह से उस कहानी को कहा जाए और चूँकि उसका कालखंड भी काफ़ी लंबा था तो उसमें बहुत दूर तक जाने का स्कोप भी था आ, तो उसमें बहुत ऐसे ऐसे चरित्र थे कि जो बहुत ही रोचक मुझे लगे कि कैसे एक पूरा एक पूरा परिवार एक पूरा जो उस समुदाय है वो एक आस में जीता है और ये आस कहाँ कहाँ पर टूटती है क्योंकि आस के टूटने की ही कहानियाँ ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो आस कैसे धीरे धीरे टूटती है चीज़ें वो उसका वर्णन उस कहानी में है और कई जेनरेशन से लोग आस लगे हैं हाँ। लेकिन वो आस जो है पूरी नहीं।, पूरी नहीं हो रही है तो ये उस कहानी का सेंट्रल थीम आप कह सकते हैं वो है और उसको उसको सीधे सीधे नैरेटिव के स्टाइल में चीज़ें कही गई हैं कोशिश की थी कि जैसे आपने कहा कि दोहराव हो जाता है तो वो दोहराव ना हो उसके लिए एक अलग से कोशिश की गई थी उस कहानी में कोशिश में आप सफल हुए हैं कहानी बहुत अच्छी लगी शादी और मंचन कहानी भी मुझे बहुत पसंद आई मंगरा मॉल तो खैर मेरे ख्याल से सबको जिन्होंने भी पढ़ी होगी सबको बस बहुत पसंद आई पंकज जी जब आपकी कहानी का पाठ होता है तो श्रोता या दर्शक मंत्रमुग्ध होकर पढ़ते हैं सुनते हैं है ना कई बार आपके सुनाने से आपकी कहानियाँ ज़्यादा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है मजेदार भी तो इसमें आपके रेडियो ट्रेनिंग की कोई भूमिका है या हम लोग इसे आपकी वाचन की प्रतिभा माने आपका क्या कहना क्या है नहीं वाचन की प्रतिभा जैसी कोई बात नहीं है वो दरअसल बात यह है कि कहानियाँ लिखने से पहले मैं नाटक वगैरह से जुड़ा हुआ था तो उसमें स्वाभाविक रूप से जो एक पाठन की शैली है वो नाटकों की वजह से एक आ गया है तो नाटक करते हुए बाद में ज़रूर रेडियो ने उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं योगदान दिया तो वो रेडियो में आने की वजह से ऐसा ज़रूर हुआ कि आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है उसका जिस तरह से उसको हम लोग बरतते हैं आवाज़ों को देखते हैं तो उसकी भूमिका ज़रूर रही है लेकिन वो नाटक की ट्रेनिंग ज़्यादा है और बाद में उसमें रेडियो ने अपना योगदान दिया तो वो थोड़ा सा और लगता है कि और बेहतर, न, बेहतर हो गया।, गया और लोगों को पसंद आता है पढ़ने से Uh, वैसे भी आप मेरी ज़्यादातर कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए ही हैं क्योंकि कहानी कहने सुनने का माध्यम होता है लिखने पढ़ने का माध्यम नहीं होता तो कहानी जब आप कहते हैं और लोग सुने उसको तो वो कहानी ज़्यादा प्रभावी रूप से आपके जहन में बैठती हैं बनस्पत उसके कि आप जब पढ़ते हैं उसको तो इसीलिए वो ज़रूर सुनाने वाली कहानियाँ हैं वो मैं ये मानता हूँ कि हर कहानी को सुनाने वाली कहानी होनी चाहिए तो ये कोशिश करता हूँ मैं कि कहानी सुनने में ज़्यादा मज़ेदार हो और उसी के अभ्यास के तहत ये चीज़ें की जाती हैं कि उसको पढ़ के रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाई जाए अभी तो अब तो तमाम तरह के माध्यम हैं उस पर सुनाई जा सकती हैं। तो वो कोशिश करता हूँ कि लोग सुने वैसे भी मैं जब लिखता भी हूँ तो ये दिमाग में हमेशा रहता है कि ये सुनने में कैसी लगेगी अच्छा, ये सोच कर भी जी बिल्कुल लिखते हैं तो ये कोशिश रहती है क्योंकि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ तो ये सुनाने का हुनर थोड़ा उसमें से आ गया तो इस सुनाने के हुनर का प्रदर्शन आप यहाँ करें अभी मैं नीचे थी तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि पंकज जी का कहानी पाठ सुनना चाहते हैं कुछ अंश कम से कम आप पढ़ के सुनाएं हालांकि पता नहीं लोग उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे लेकिन मैं एक छोटा सा अंश पढ़ता हूँ नहीं किताब में लिखने इस संग्रह की पहली कहानी है मंगरा मॉल उससे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं आपके सामने शायद आपको पसंद आए शहर के किनारे जब मंगरा मॉल खुला तो शहर चौंका था कुछ बातें बड़ी अजीब थी इस मॉल के बारे में पहली बात इसका नाम कहाँ शहरों के बीच स्मार्टफोन की प्रतियोगिताएं हो रही थी स्मार्ट नामों वाले मॉल हर शहर में खुल रहे थे ये मार्ट वो मार्ट ये बाजार वो बाज़ार वहाँ किसी मंगरा बुधुआ के नाम से मॉल हो तो अजीब तो लगेगा ही ना दूसरी जो गज़ब बात थी वह मॉल के एस्केलेटर के ठीक पास एक आदमकद चट्टान नमा चीज़ जो पहली नज़र में किसी पत्थरगड़ी का पत्थर लगता था पर बहुत ध्यान से देखें तो एक मांदर बजाता आदमी सा दिखता था मतलब आभास देता था इससे भी गजब यह कि ऊपरी हिस्से में चार छः छेद बने थे जो कान आँख मुंह नाक का आभास देते थे उसमें से किसी छेद में अगर कुछ छूस दें तो वह पत्थर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर देता था मसलन मुंह माने जाने वाले छेद में किसी ने टूथब्रश डाल दिया तो नाक वाले छेद से टूथपेस्ट की झाग निकलती थी किसी मंचले ने एक बार सिक्योरिटी की नज़र बचाकर जलती हुई सिगरेट ठूस दी तो नाक वाले छेद से भकाभक धुआं निकलने लगा था और फायर अलार्म की घनघनाहट से पूरा मॉल गूंज उठा था छोटे छोटे बच्चों की शैतानियों का वह पत्थर बिल्कुल बुरा नहीं मानता था उसकी हाथ नुमा चीज़ पर चढ़कर बच्चे जब उन छेदों में उंगली डालते तब भी नहीं लेकिन एक शोहद नुमा युवक ने जब उसके कान वाले छेद में मुंह सटाकर कुछ कहा था तो पत्थर उसके ऊपर ही गिरने लगा था शायद उसने कोई गाली जैसी चीज दी थी मित्रों बहुत बढ़िया बहुत दिलचस्प अब हमारा बातचीत का सेशन यही समाप्त होता है उसके पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों में से आप अगर कोई पंकज मित्र से कोई सवाल हो करना चाहें तो आप सीधे आमंत्रित। जी। पंकज जी आपकी कहानियां पढ़ी हैं मैंने कुछ जी बहुत अच्छा रहा लेकिन प्रेमचंद जो कथा सम्राट माने जाते हैं और कहानी की मूल जो धारणा है वो कहानीपन है जो वर्तमान में कहानियाँ लिखी जा रही हैं कहीं ना कहीं उन कहानियों में कहानीपन नहीं है क्या कारण है कि अभी भी प्रेमचंद बहुत बहुत ऊपर हैं अब, अब प्रेमचंद तो एक बड़े कथाकार इसीलिए हैं कि उनको अभी तक पढ़ा जाता है और बहुत सारे लोग उनकी कहानियों को पसंद करते हैं दरअसल उनकी खासियत उनकी सरलता में भी है जो उनकी भाषा की सरलता है जो कहानी कहने का जो सीधा सीधा अंदाज है हमारी ट्रेनिंग भी उसी तरह की है कहानियाँ सुनने की जो सीधी सरल चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा हमें समझ में आती हैं तो इसीलिए ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं लेकिन है कि कहानी पढ़ने का तरीका कहानी सुनने का तरीका भी समय के साथ साथ बदलता है और ये बात जो है आप कह रहे हैं कि कहानीपन अब हट खत्म हो गया है तो मुझे नहीं लगता क्योंकि कहानियाँ कहानीपन अगर ख़त्म हो जाता तो इतनी ज़्यादा किताबें कहानियों की छपती नहीं और प्रकाशक भी कहते हैं एक बहुत बड़ी प्रकाशक हमारे बीच में यहाँ पर हैं कहानियों की किताबें उपन्यास ये सब सबसे ज़्यादा बिकते हैं तो एक कोई तो कोई वजह रही होगी लोग कहानियाँ अभी भी सुनना चाहते हैं कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो कहानीपन का ख़त्म हो जाना एक मुहावरा बन गया है लेकिन कहानीपन पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है अभी भी कहानी सुनने का पढ़ने का तरीका ज़रूर बदल गया है थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन आया है ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं कहानीकार आ रहे हैं तो भाषा में परिवर्तन होगा ही तो इस तरह से चीज़ें बदली थोड़ी सी जरूर हैं लेकिन कहानीपन अभी भी बरकरार है मुझे उम्मीद है बतौर कहानी लेखक भी कि आगे भी बरकरार रहेगा पढ़ने का तरीका थोड़ा ज़रूर बदल जाएगा मेरा सीधा प्रश्न आपसे है जी कि बाज़ार की इतनी आलोचना होती क्या बाजार ने मनुष्य का भौतिक जीवन अच्छा नहीं किया है जीविका के अवसर नहीं बढ़ा है आज जिस टाटा स्टील के नीचे बैठ के कार्य बोल रहे हैं, वो भी बाजार है तो ये एक पक्षीय विश्लेषण क्यों होता है मैं और और प्रश्न है भी। जी आपने कहा श्रमिक आते हैं चले जाते हैं बड़ा दुखद है श्रमिक क्यों जाते हैं बाजार नहीं इसलिए जाते बाजार रहे तो अमेरिका में श्रमिक नहीं जाता कोरिया में श्रमिक नहीं जाता और जीविका के आयाम बदलते हैं आज श्रम अच्छा है कल कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो जाएगा परसों कोई नई विधा में चला जाएगा तो इतना आलोचक हम क्यों रहते हैं? ये मेरा प्रश्न है बाजार के विरुद्ध दरअसल क्या है कि बाजार जब तक ज़्यादा लोगों के भले के लिए काम कर रहा है तब तक तो ठीक है लेकिन जब तक व्यक्तिगत व्यक्तिगत लाभ के लिए जब बहुत बाजार सामने आता है तब चीज़ें बदलने लगती हैं और तब जो बाज़ार की क्रूरताएँ हैं वो सामने आने लगती हैं उससे हम उससे हमें तकलीफ है बहुत सारे ज़्यादातर लोगों का जीवन जो है वो कष्टमय ही हुआ है जो संख्या अगर आप देखेंगे जी अगला सवाल आ, मेरा सवाल अभी थोड़ा देर थोड़ी देर पहले पूछा गया एक सवाल कि आप किस भाषा में लिखते हैं एक है कि शुद्धतावादियों का एक चीज है कि भाषा इस तरह की होनी चाहिए शुद्ध हिंदी ये सब होना चाहिए आपके विचार में क्या है कि मतलब शुद्धतावादियों ने हिंदी का कितना मतलब घोटाला मतलब क्या शुद्धतावादी होना भाषा के लिए अच्छा है या खराब है मतलब ये पूछना सवाल था बिल्कुल हम शुद्धतावादी हो नहीं सकते हैं दरअसल भाषा इसके बारे में कहा गया है कि बहता हुआ नीर है और जिस देश में ये कहा जाता है कि कोस कोस पे बानी बदल जाती है तो वहाँ पर आप बहुत शुद्धता का आग्रह कर नहीं सकते भाषा से भाषा जनता के बीच से पैदा होती है और उसी भाषा को लेखक लिखता है लेखक अपनी कोई भाषा पैदा नहीं करता तो ये लेखन जो है वो जनता के बीच से आता है भाषा भी वहीं से आती है इसीलिए बहुत शुद्धतावादी आग्रह मुझे व्यक्तिगत रूप से तो नहीं लगता है कि बहुत होना चाहिए क्योंकि जिन भाषाओं ने बहुत शुद्धतावादी आग्रह रखा वो भाषाएं खत्म हो गई धीरे धीरे पंकज आपकी वार्तालाप के लिए बहुत बहुत बधाई एक जिज्ञासा है मन में कि आपने जितना कुछ लिखा है उसमें स्थानीय भाषा के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग किया है और एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में यहाँ की जो छोटा नागपुर की बहुत सारे भाव हैं उसको भी स्थान दिया है जी मुझे ये जानना है आपसे कि ऐसा कौन सा लेखक था पूरे विश्व साहित्य में अंग्रेजी साहित्य जो आपने पढ़ाया है या हिंदी साहित्य में जो हैं जिनको देख कर के और पढ़ करके आपको लगा कि आपको भी लेखक बनना चाहिए बहुत सारे लेखक वैसे तो प्रेरित करते रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जिस लेखक से रहा वो चेक हैं चेक की कहानियाँ पढ़ के मुझे लगता था हमेशा कि काश इस तरह से चीज़ें लिखी जा सकती थी बाद में आने के बाद मार्क्वेज़ की कहानियाँ बहुत अच्छी लगने लगी चेखव लेकिन एक मास्टर राइटर हैं और मुझे लगता है कि चाहे वो भाषा का प्रश्न हो या कहानी कहने का जो तरीका है वो जिस तरह से चेखव बरतते हैं ये बहुत ही बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही बढ़िया लगता है और मुझे लगता है कि उसमें बहुत दिमाग को बहुत दिनों तक प्रभावित उन्होंने किया है और कोई सवाल आपकी बातचीत बहुत तथ्यपूर्ण रही धन्यवाद आपको बधाइयाँ भी मैंने एक बात दो दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कहानियों में या किसी भी रचनाकार के लिए विचारधारा का क्या महत्व है जी विचारधारा जो है वो उसका महत्व तो इतना ही है कि वो रचनाओं में जैसे पानी पर तेल तैरता है उस तरह से तैरता हुआ नहीं दिखे अगर वो दूध में चीनी की तरह अगर विचार घुला है तब तो विचारधारा काम की चीज़ है लेकिन अगर वो दिख रही है सामने पानी पर कोई तेल की तरह तैर रही है तो वो विचारधारा किसी कहीं नहीं ले जाती है किसी रचना को लेकिन वो घुली मिली होनी चाहिए आपकी रचना में इस तरह से कि विचार दिखना नहीं चाहिए ये रचना के लिए बहुत ज़रूरी चीज समय समाप्ति की घोषणा हो गई है तो वन मोर ओनली वन मोर क्वेश्चन गीतों गजलों से जुड़ा हुआ रहा हूं सियाराम झासरस मेरी इच्छा है कि जिस क्षेत्र को छोड़ के आप भाग गए गजलों की चंद पंक्तियां कृपया आ, वैसे अभी तो फिलहाल हाथ में कुछ है नहीं लेकिन एक दो पंक्तियां जो याद हैं वो मैं एक गज़ल का, का एक शेर मुझे याद आ रहा है आ, तीर गिए वक्त की अब तो हिमाकत देखिए तीर गिए वक्त की अब तो हिमाकत देखिए चांद के किरणों की होती है तिजारत देखिए ये एक शेर मुझे याद था धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से टाटा स्टील का जिन्होंने ये झारखंड लिटरेरी मीट आयोजित कर हमें मौका दिया कि यहाँ पर हम अपनी बात आपसे साझा कर सकें तो बहुत बहुत शुक्रिया आयोजकों का और आप सभी श्रोताओं का जो इतने धैर्य से यहाँ पर मौजूद रहे बहुत बहुत आभार आप सबका bunkaji rashmiji thank you for this very scintillating conversation